जो हमने इंग्वाइनल रिंग्स पढ़े थे, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल है ना, इंग्वाइनल रिंग इंग्वाइनल के नाल तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, लेकिन इनडायरेक्ट में बहुत चीज आएंगी, ठीक है, डीप रिंग भी और सुपरफिशियल रिंग से। जो कॉन्टेंट हमारे पास यहाँ डीप रिंग से गुजरेगा, इसका गुजरना ज़रूरी है, ठीक है, यूँ करके इसका गुजरना ज़रूरी है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट चीज़ें ये याद रखना कि इसमें जो है ना हमारी मसल वॉल जो ऑल अलॉन्ग है वो उसकी वीकनेस नहीं हो रही, किसकी, एक्सटर्नल वॉल की वीकनेस हो रही है। जो हमारे पास एक्सटर्नल वॉल थी ना, हमने कहा था कि जो डीप है इट इज़ सपोर्टेड बाय द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, जो हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक दोनों हमारे पास इसकी डीप की वॉल को सपोर्ट करें, उधर वीकनेस हुई तो ये इस तरह से प्रोट्रूड किया। अब इन केस ऑफ डायरेक्ट हर्निया हमारे पास क्या हो रही है, पोस्टीरियर जो हमारे पास सारी वॉल थी ना, इधर कहीं वीकनेस होगी, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास कॉन्टेंट मूव आउट करेगा, कंप्लीट वाला जो एक से गुजरता, ये कंप्लीट वाला है जो एक से गुजरता जी, वापस रखते हैं। अब ये डायरेक्ट है ना मैम, ये डायरेक्ट है जो मैम कहीं से भी हो सकता है, जो डायरेक्ट ये पोस्टीरियर वॉल की वीकनेस में। अब देखो अब ये इनडायरेक्ट है और वो किसी एक्सटर्नल वॉल की वीकनेस से, ठीक है, लेकिन अब देखो देखो मसल वॉल वीकनेस से याद रखना कि मसल वॉल में पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल मतलब पोस्टीरियर वीकनेस आ रही है ना, पोस्टीरियरली जो हमारे पास वीकनेस आ रही है सोचो मसल वीकनेस है, मसल वीकनेस बूढ़े लोगों को होती है ना ज़्यादातर, तो ये याद रखना कि डायरेक्ट किसके ओल्ड एज में होगी, इनडायरेक्ट जो होगी ना यंग में होगी, ठीक है, यंग चिल्ड्रन यंग में एक्सटर्नल वॉल की हो सकती है और कंजेनिटल होगी, यंग में क्यों होगी, यस मैम, एक्सटर्नल वॉल की वीकनेस, एक्सटर्नल वॉल की वीकनेस होगी, इनडायरेक्ट में डीप रिंग की होगी, क्यों मैम, यंग में क्यों मतलब, अब क्या होगा ड्यूरिंग फॉर एग्जाम्पल जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पहले से ही ये मसल फॉर्मेशन सही से नहीं होगी, ओके, ठीक है, नीचली उनकी मसल फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुई तो हमारा कॉन्टेंट एक तरह से फ्रॉम द डीप पास किया इंटू द इंग्वाइनल कैनाल और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर आ गया, ठीक है।